महान सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ा 19 साल का लड़का। दलीप ट्रॉफी में बड़े नामों का निकला दम। पंत ने 7 तो गिल के बल्ले से निकले 25 रन। टेस्ट सीरीज से पहले मुसीर ने टीम इंडिया के 4 दावेदारों का काम किया खराब। के डोमेस्टिक सीजन में दलीप ट्रॉफी शुरू हो चुकी है। दलीप ट्रॉफी में 4 टीमें बनाई गई हैं। ये बाकी जो रणजी टीमें हैं उनसे बेहतरीन खिलाड़ी निकाले जाते हैं और उसमें से 4 टीमें बनती हैं। 4 जोन में बांटा जाता है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ। इसमें ग्रुप ए में कप्तान की बात करें तो गिल हैं, जबकि ग्रुप बी के कप्तान हैं अभिमन्यु ईश्वरन। अगर ग्रुप सी की बात करें तो उसमें गायकवाड़ को कप्तान बनाया गया, जबकि ग्रुप डी के कप्तान हैं सुरेश अय्यर। अभी चारों टीमें आपस में मुकाबले खेलेंगी। ग्रुप ए ग्रुप बी से इस वक्त खेल रही, जबकि ग्रुप सी और ग्रुप डी में मुकाबला हो रहा है। लेकिन एक नाम है जिसकी चर्चा हर किसी के जबान पे है, नाम है मुशीर खान का। 19 साल का ये लड़का इस बार गर्दा ही मचा रखा है। अपने डेब्यू मैच में इतनी बड़ी पारी खेल दी कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी चकनाचूर हो गया। जी हाँ, आज से 33 साल पहले तेंदुलकर ने कुछ ऐसा कारनामा किया था जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया था। आज ये 19 साल का लड़का वही कारनामा किया और सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। आपको बताऊंगा क्या रिकॉर्ड बनाया है मुशीर खान ने, और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि ग्रुप ए और ग्रुप में भी बी में कौन कौन से बड़े दिग्गज क्या क्या कारनामा कर रहे हैं या कहें फेल हो गए हैं, और ग्रुप और सी और डी में भी क्या कुछ हुआ है सब आपको बताऊंगा। चलिए बात करते हैं पहले मुशीर की। अगर बात करूं दलीप ट्रॉफी के डेब्यू मैच में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाने की, तो इसमें अब मुशीर खान 4th नंबर पर आते हैं। जबकि पहले नंबर की बात करें तो बाबा अपराजित का नाम है जिन्होंने 212 रन बनाए हैं। नंबर दूसरे पे हैं विनोद कामली जिन्होंने बनाए हैं 208 रन। फिर हैं यशदुल जिन्होंने बनाए 193। मुशीर खान अब 4th नंबर पर हैं, 181 रन है। उसके बाद आते हैं जिंके रहाणे जो 172 रन बनाए हैं। वहीं सचिन तेंदुलकर इस लिस्ट में हैं 159 रन के साथ। मुशीर की तो हर कोई तारीफ कर रहा है, सूर्या भी पीछे नहीं रहे। सूर्या ने भी मुशीर की तारीफ में लिखा कि क्या पारी खेली है लड़के, और इसके आगे उन्होंने अपनी इमोजी शेयर की है। आपको बता दें कि सूर्या अक्सर सरफराज खान और मुशीर की तारीफ़ करते हैं। आपको बता दें कि जब शुरुआती दौर में थे सूर्य कुमार यादव, तब सरफराज और मुशीर के पिताजी से भी उन्होंने ट्रेनिंग ली थी और वो उन्हें गुरुजी कहते हैं। अगर बात करें दोनों मुकाबलों की तो ग्रुप ए और बी के मुकाबले में ग्रुप बी ने पहले बल्लेबाजी की, मुशीर ने इतनी धमाकेदार पारी खेली तो टीम भी 321 रन बना पाई। अब बल्लेबाजी है ग्रुप ए की। गिल बहुत जल्दी आउट हो गए, लेकिन केएल राहुल और तमाम सारे खिलाड़ी अभी भी डके हुए हैं। अभी भी इनके सामने 87 रनों का ट्रेल है, यानी 187 रन बनाने के बाद भी ग्रुप ए की टीम सिर्फ बराबरी कर पाएगी। उसके आगे अगर इन्हें बढ़त चाहिए तो उससे ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे। ये तो कहानी है ग्रुप ए की, यहां मुकाबला बल्लेबाजी में जबरदस्त चल रहा है। लेकिन अगर बात करें ग्रुप सी और डी की तो वहां पर एक टीम तो दूसरी पारी खेल रही है। जी हाँ, और एक टीम, दोनों टीमों ने अपनी पहली पहली इनिंग कंप्लीट कर ली है। ये दिखाता है कि वहाँ की पिच में काफ़ी कमाल हो रहा है। क्या है दूसरी पारी का स्कोर, चलिए वो भी जान लीजिए। अगर ग्रुप सी और डी की बात करें तो डी ने पहले बल्लेबाजी की, 164 रन बनाए। बाद में डी ने बल्लेबाजी की तो उन्होंने बनाए 168 रन। यहाँ पे 4 रनों की इनके पास लीड थी, लेकिन जब बल्लेबाजी दोबारा सी ने शुरू की तो उन्होंने 206 रन बना लिए। अभी तक सिर्फ 6 विकेट गिरे हैं, यानी उम्मीद है उनके पास अब 200 से ज़्यादा रनों की बढ़त हो चुकी है। लेकिन आखिर में आकर सी को ही बल्लेबाजी करनी है, तो देखना दिलचस्प होगा कि गायकवाड़ की कप्तानी वाली टीम क्या पहला मुकाबला जीत पाएगी या नहीं। तो चलिए बात करते हैं बड़े नामों की। बड़े नाम क्या कुछ खास गोल खिला रहे हैं, चलिए वो भी जान लीजिए। पहले बात कर लेते हैं ग्रुप ए और बी के मुकाबलों की। अगर ग्रुप ए और बी की बात करें तो इसमें पहला नाम किसी और का नहीं आता है, सरफराज खान का। उन्होंने बनाए 9 रन। पंत की बात करें तो पंत के बल्ले से निकले हैं 7 रन। सुंदर खाता नहीं खोल पाए। यशस्वी की बात करें तो उन्होंने बनाए हैं 30 रन। शुभमन ने बनाए हैं 25 रन, जबकि मयंक अग्रवाल ने बनाए हैं मात्र 36 रन। अगर बात करें ग्रुप सी और डी की तो यहाँ पर आता है नाम सुरेश अय्यर का जिन्होंने बनाए 54 रन और 9 रन। अगर बात करें केएस भरत की तो उन्होंने बनाए 13 रन और 16 रन। ऋतुराज गायकवाड़ सिर्फ 5 रन। साई सुदर्शन 7 रन और रजत पाटीदार के बल्ले से निकले हैं मात्र 13 रन। तो ये है भैया इन बड़े बड़े नामों का रिपोर्ट कार्ड। फिलहाल आपको कैसी लगी हमारी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।